हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पनीर बटर मसाला की। इसकी टेक्सचर, लुक और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब इसमें हम 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 2 इलायची और 4 लौंग डाल देंगे। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां और कटी हुई अदरक डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा आप पहले ही डाल दें, मैं भूल गई थी इसीलिए मैं अभी डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज की कटी हुई टमाटर डाल देंगे। आपको देसी टमाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये जो ग्रेवी है बिल्कुल खट्टा हो जाएगी, तो आप इसमें हाइब्रिड टमाटर का ही यूज़ कीजिए। अब इसमें हम काजू डाल देंगे। काजू डालने से ग्रेवी में टेक्सचर आती है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर, काजू सब सॉफ्ट हो जाए और इसे हम ढककर 2 मिनट तक रख देंगे। दो मिनट बाद देखिए जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर लेंगे और इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर को हमने पहले से ही नमक और कश्मीरी लाल मिर्च से कोट करके रखा था, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर जो है हार्ड हो जाती है, तो इसे हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो देखिए हमने यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल ले लेंगे और 1 टेबलस्पून बटर ले लेंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है। अब 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे मसाला है वो जल ना जाए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और तैयार किया हुआ पेस्ट को हम डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून पनीर बटर मसाला डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। हमने यहाँ पर 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे।
और इसे हम ढक कर 5 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। देखिए 5 मिनट बाद ग्रेवी रेडी है। अब हम फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे और 1 टेबलस्पून दूध की मलाई डाल देंगे। आप चाहे तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर से हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिला लेंगे और इसे हम ढक कर लगभग 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो पनीर के अंदर सारे फ्लेवर चला जाए। पाँच मिनट बाद देखिए दिख रहा है ना टेम्पटिंग। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी पनीर बटर मसाला बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।